का पैर आप क्लियर हैं, श्योर हैं? क्या वो मतलब छाड़ क्या है ये? हमारे कैंडिडेट लोग नहीं सुन पा रहे हैं, सही से बोलिए क्या नाम है? प्रधानमंत्री। साइंस जो पढ़ते हैं उसके अंदर तीन बुक आती है, तीनों का नाम इतिहास बायोलॉजी। राष्ट्रीय फल यानी कि फ्रूट कौन सा है? दिए जाएंगे, तीन में जो भी बोलते हैं आप वो तीन का आंसर आपको देना है, ठीक है? ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। कौन सा वृक्ष है बोलिए? बरगद। बरगद का पेड़ आप क्लियर हैं, श्योर हैं? जल्दी से कीजिए, यस या नो? यस। तो इनका जवाब क्या रहा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। क्या लॉक कर दिया जाए? आई लॉक। बोलिए। चलिए गाइस, कन्फ्यूजन नहीं देते, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद ही है, जैसा कि आपको भी पता है। तो चलिए फर्स्ट पेज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है इन्होंने, सेकेंड पेज का फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब सही दिया है। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान। थार। थार का मतलब क्या, मतलब थार क्या है ये? जीके में पढ़े थे एक बार। जीके में ये पढ़े थे एक बार। चलिए गाइस डीपली नहीं जानते हैं, थार यानी कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, आपको पता है राजस्थान में मौजूद है। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, उनके ओर आते हैं। चलिए भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या बोल रहे हैं आप? प्रधानमंत्री ने बोल रहे हैं। हाँ। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम कुछ सही से, हमारे कैंडिडेट लोग नहीं सुन पा रहे हैं, सही से बोलिए क्या नाम है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का नाम बोलना है आपको, वर्तमान प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। क्या बोले? नरेंद्र मोदी। चलिए जी गाइस, नरेंद्र मोदी रहा, तीन में तीन क्वेश्चन का सही रहा है। चलिए क्लास 8 के छात्र हैं, तो इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछते हैं जीके से, जो भी हो सकता है हम उसके थ्रू, ठीक है गाइस? तो फर्स्ट क्वेश्चन इनके साथ ये रहा हमारा जीके का। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन रहा ये कि आप ये बता दीजिए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय ध्वज का पूरा नाम, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। भाई साहब हम वही पूछ रहे हैं, तिरंगा पूरा नाम तिरंगा ही है ना, कि और भी कुछ है? नहीं, तिरंगा या जेल। बिल्कुल गाइस सही के जवाब है इनका, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, क्या है सेकेंड क्वेश्चन? चलिए आप बताइए, भारत के वर्तमान सुन रहे हैं ना क्वेश्चंस, चलिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए द्रौपदी मुर्मू, हमने तो सुना था रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद पहले थे, पूर्व राष्ट्रपति। मतलब कब थे वो? कब थे, मतलब कब थे द्रौपदी मुर्मू के आने के पहले, या द्रौपदी मुर्मू के आने के बाद कब बने वो? द्रौपदी मुर्मू के बनने से पहले। चलिए बहुत अच्छा सवाल, मतलब जवाब रहा है इनका। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी इनका सही है। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, क्या है भारत का, सुन रहे हैं ना, भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, मतलब कि सड़क पुल? महात्मा गांधी सेतु। चलिए महात्मा गांधी सेतु, क्या आप क्लियर हैं? हमने तो सुना था कुछ और है, यानी कि हावड़ा ब्रिज है। नहीं, हम क्लियर है। क्लियर है? हाँ। क्या जवाब का सही है, कौन है भारत का सबसे बड़ा मतलब सड़क पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु। चलिए महात्मा गांधी सेतु। जी गाइस, अगर ये गलती हुआ होगा तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, हालांकि मेरे अनुसार से ये सही जवाब है, ठीक है? तो चलिए इनका तीन में तीन भी सही रहा, तो चलिए इनसे मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट ऑडियंस से। चलिए इसका पहला सवाल ये है कि हमें यह बता दीजिए आप कि भारत में कितने राज्य वर्तमान में मौजूद हैं, यानी कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28। क्या बोले? 28 यानी कि 28 यस जी, यानी कि बोल रहे हैं 28, मुझे तो लगा 29 है। नहीं, 28। चलिए गाइस सही जवाब है इनका 28 है, यानी कि 28 राज्य, यानी 28 राज्य भारत में मौजूद है टोटल। चलिए पहला क्वेश्चन का सही रहा, सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं क्या है ये, आप ये बता दीजिए कि जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू सुन रहे हैं ना आप, द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये पता है आपको? 15वां। तो गाइस हम कन्फ्यूजन में थोड़े से मौजूद है, लेकिन हमारे अनुसार से ये सही है, आंसर सही है हमारी तरफ से, ठीक है? अगर गलती होगा कमेंट कर सके बता सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय वस्त्र कौन सा है? वस्त्र धोती कुर्ता।
धोती कुर्ता। फिर से बोले क्या है भारत का राष्ट्रीय ध्वज वस्त्र कौन सा है? धोती कुर्ता। भारत का राष्ट्रीय वस्त्र धोती कुर्ता। गाइस थोड़ा सा डाउटफुल मेरे अनुसार से भी है, लेकिन मेरे अनुसार से ये बिल्कुल रॉन्ग लग रहा है। क्या भारत का राष्ट्रीय वस्त्र कौन सा है वो आप बता सकते हैं? और हालांकि मेरे अनुसार से एक रॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जो है वो रॉन्ग है, और आपके स्क्रीन के सामने ये राइट आंसर दिख जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए इनसे मिलते हैं। 3 में 2 क्वेश्चन का सही रहा और हम इनसे मिलते हैं फिर थर्ड फेज में। तो आप हमें ये बता दीजिए कि जो हमारा विज्ञान होता है, ठीक है ना, विज्ञान में कितने किताबें पढ़ी जाती हैं? 3। कितने किताब पढ़ी जाती हैं? 3। 3 किताबें पढ़ी जाती हैं। तो किस क्लास में 3 किताबें पढ़ी जाती हैं? 10th में। 10th में। और भी कोई क्लास है जहाँ 3 की बुक चलती हैं बताइए? हमें नहीं पता। तो गाइज ये क्लास 10th या 9th में 3 बुक पढ़े जाती हैं, और उसका नाम आपको क्या पता है? हाँ पता है। बोले साइंस। हमने पूछा आपके कि साइंस जो पढ़ते हैं उसके अंदर 3 बुक आती हैं, तो तीनों का नाम बोलना। भौतिकी, इतिहास, बायोलॉजी। बोले रसायन। बोले सामाजिक विज्ञान। चलिए तो इनका जवाब रहा है भौतिकी, इतिहास और सामाजिक विज्ञान। क्या आप और भी आंसर चेंज करना चाहेंगे तीनों का नाम, कि और भी आपके माइंड में घूम रहा है कि 3 के अलावा भी और होते हैं नाम? होते हैं। चलिए हम छोड़ते हैं इसको, कि आपके ऊपर छोड़ते हैं कि 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 बुक होते हैं हमारे 9th के, 9th और 10th में जो साइंस होते हैं उसको पढ़े जाते हैं। तो उसका नाम अगर आपको पता है तो वो आप जवाब दे सकते हैं। हालांकि ये रॉन्ग जो आंसर इन्होंने दिया है, और रॉन्ग आंसर आपको भी पता ही होगा कि कैसा है। चलिए गाइस हम बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। चलिए आप बता दीजिए भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री धर्मेंद्र चौहान। चलिए क्या बोल रहे हैं आप, सही से थोड़ा सा बोलने का कोशिश करें, हमारे ऑडियंस लोग ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। क्या हुआ? धर्मेंद्र चौहान। चलिए धर्मेंद्र चौहान इनका आंसर शायद है गाइस। ये भारत के गृह मंत्री, हमने क्वेश्चन पूछा है। क्या आप चेंज करना चाहेंगे आंसर, आपको सही लग रहा है या गलत है? क्या हम लॉक कर दें? चलिए गाइस इनका कुछ आंसर आ नहीं रहा है, मेरे ख्याल से ये आंसर रॉन्ग है। और आपको पता ही है गृह मंत्री मतलब कि कौन है भारत के वर्तमान में, आपको पता ही है आपको। चलिए हमारा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन रहा हमारा ये सेकेंड फेज का आपसे, ये कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर, हमने कबूतर सुना था, कहीं कन्फ्यूजन में तो नहीं है? अभी 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं आपके, तीसरा क्वेश्चन में तो रॉन्ग नहीं होगा? हाँ नहीं। आप श्योर हैं? लॉक कर दें? लॉक कर दें। तो एक बार फिर बोलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। तो इनका जवाब रहा मोर। तो फाइनली गाइस ये राइट आंसर है सेकेंड थर्ड में, शायद स्टैंडर्ड 3rd में है ना, थर्ड का आंसर रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्टैंडर्ड 3rd में है, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। तो चलिए छोटू से हम पहला क्वेश्चन पूछते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है? तो चलिए छोटू आप बता दीजिए भारत का, सुने ना, भारत का राष्ट्रीय फल यानी कि फ्रूट कौन सा है? लीची। क्या? लीची। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? हमने सुन लीजिए क्वेश्चन अच्छे से, क्या आप ये आंसर बताइए सही से क्या है? इनका लीची आ रहा है आंसर जवाब, क्या आप चेंज करना चाहेंगे? आपको सही लग रहा है आंसर? सही। क्या है? केला। केला। और यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज किया इन्होंने, यानी कि जो हमारा भारत का राष्ट्रीय फल है केला, इनका जवाब आ रहा है लीची के बाद। तो क्या आंसर हम लॉक कर दें? रॉन्ग। रॉन्ग है। तो क्या आप बोलना चाहेंगे, राइट आंसर क्या बोलिए? लीची। लीची बोल रहे हैं। तो फाइनली गाइज अब तो हम ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, तो भारत का राष्ट्रीय फल इनका आंसर आ रहा है लीची। चलिए गाइज फाइनली आप कमेंट करके बताइए आंसर क्या है। तो चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन बोलिए, सेकेंड क्वेश्चन। चलिए बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, आपका ये दूसरा सवाल रहा। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन को ठीक ढंग से सुन ले, हमने पूछा आपसे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। क्या ये सही आंसर आपको लग रहा है? लॉक कर दें? सही। सही है। तो गाइज ये बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बोल रहे हैं, तो गाइज कमेंट करके बता दें, हालांकि मेरे अनुसार से ये सही आंसर है। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, थर्ड क्वेश्चन हम पूछते हैं इनसे। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका ये है कि आप ये बताइए, चलिए गाइज इनका तीसरा क्वेश्चन ये रहा कि चलिए आप बताइए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा जो है ना, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, तिरंगा में कितने रंग होते हैं और कौन कौन से रंग होते हैं? 3। कौन कौन से रंग होते हैं?
रेड पीला हरा। चलिए ठीक से बोलिए आंसर, मतलब कि आप हड़बड़ कर रहे हैं मेरे अनुसार से, तो भारत, फिर से क्वेश्चन पूछ लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, तिरंगा में कितने रंग है? थ्री है, राइट आंसर है, ठीक है। और कौन कौन से रंग है? हरा, पीला, ठीक है, रेड। रेड यानी कि हरा, पीला, रेड, इनका ये आंसर आ रहा है, आपने सुना भी होगा। तो आप आंसर और चेंज करना चाहेंगे या फिर यही रखा है? यही रखना है। तो गाइज आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ऐसा कि मेरे अनुसार से थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन इन्होंने अपने अनुसार से बहुत ही अच्छा आंसर देने का कोशिश किया है, और इनके भविष्य की शुभकामनाएं हम देते हैं इनके साथ। चलिए हम थर्ड फेज में आते हैं, थर्ड फेज में देखते हैं क्या होता है।